गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका EVS में लेसन नंबर 13 है, नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदाएं। लास्ट वाली क्लास में हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था, भूकंप के बारे में पढ़ा था और फ्लड के बारे में पढ़ा था। भूकंप जो है, जो पृथ्वी के नीचे कुछ प्लेटें होती हैं, जब वो आपस में टकराती हैं या फिर एक दूसरे से दूर होती हैं, उसके कारण भूकंप आता है। और जो फ्लड है यानी कि बाढ़ है, वो जब नदियों का पानी ओवरफ्लो हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होती है या समुद्र के किनारे का जो पानी होता है वो भूकंप आने के कारण जो समुद्र का पानी होता है वो आसपास के क्षेत्रों पर आ जाता है, उसके कारण बाढ़ आती है। अब हम ड्राउट के बारे में पढ़ेंगे। ड्राउट मतलब होता है सूखा, यानी कि सूखा पड़ जाना। इट इज़ अ पीरियड ड्यूरिंग विच देयर इज़ नो रेन और लेस रेन इन अ एरिया, यानी कि एक ऐसा समय होता है जब बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है या फिर बहुत कम ही बारिश होती है, या तो बिल्कुल बारिश नहीं होगी या फिर बहुत कम बारिश होगी। इट कॉसेस सीवियर डैमेज टू द सॉइल, क्रॉप, एनिमल्स एंड इवन पीपल। इसके कारण बहुत सारा डैमेज हो जाता है। क्या क्या डैमेज हो जाता है? सॉइल हमारी डैमेज हो जाती है। डैमेज मतलब नष्ट होना, ठीक है। जो हमारी मिट्टी होती है वो डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जो हमारी फसलें होती हैं वो सब ख़राब हो जाती हैं। एनिमल्स भी मरने लगते हैं, मनुष्य भी मरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल पाता है और पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उन्हें पानी नहीं मिल पाता है तो वो मरने लगते हैं। पॉन्ड एंड लेक्स ड्राई अप, जो तालाब और झरने होते हैं वो भी सूखने लगते हैं, ठीक है। जो भी झरने होते हैं आसपास में, जहाँ जिस क्षेत्र में सूखा पड़ता है उसके आसपास जितने भी झरने होते हैं, तालाब होते हैं, वो भी सूखने लगते हैं। ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर क्रॉप आर डैमेज, यानी कि पानी की कमी होने के कारण। स्कैरसिटी मतलब होता है कमी, यानी कि पानी की कमी के कारण जो हमारी फसलें होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। वाटर रिजर्वायर गेट एम्प्टी, जो जलाशय होते हैं, जलाशय हम कहते हैं जैसे कि एक गड्ढा सा बना दिया जाता है, सीमेंट का गड्ढा सा बना देते हैं और उसके अंदर पानी इकट्ठा कर लेते हैं, उसे जलाशय बोलते हैं। तो वो जो जलाशय होते हैं वो भी खाली हो जाते हैं। वेल्स ड्राई अप, जो कुएं होते हैं वो भी सूख जाते हैं। कॉसेस डैमेज टू एक्वेटिक लाइफ, पीपल डू नॉट हैव फूड टू ईट। और उनके कारण यानी कि जो झरने कुएं वगैरह जो भी होते हैं वो सूखने लगते हैं, तो उनके कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं यानी कि पानी के अंदर रहने वाले जानवर होते हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाता है, उसके कारण वे लोग भी मर जाते हैं। तो ये था आपका ड्राउट का। नेक्स्ट है आपका लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मतलब होता है मिट्टी का खिसकना, ठीक है। जैसे पहाड़ों की मिट्टी होती है या फिर किसी चीज़ की मिट्टी होती है, वो एकदम से गिरने लगती है, अचानक से गिरने लगती है, ठीक है। इट कैन टेक प्लेस ड्यू टू सडन और स्लो स्लाइडिंग ऑफ सॉइल और द माउंटेन शेड्स, यानी कि ये या फिर तो अचानक से गिरती है, जो मिट्टी होती है वो या तो अचानक से गिरती है या फिर धीरे धीरे स्लाइड होने लगती है, धीरे धीरे खिसकने लगते। जैसे देखिए ये पहाड़ है, यहाँ पर जो मिट्टी थी वो खिसकने लग गई, जो मिट्टी थी वो कटने लग गई और कटते कटते खिसकने लग गई। जो मिट्टी होती है या तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है तो मिट्टी की पकड़ जो होती है वो कमज़ोर होने लगती है, उसके कारण जो मिट्टी होती है वो खिसकने लगती है, ठीक है। माउंटेन शेड्स, जो माउंटेन की मिट्टी होती है वो खिसकने लगती है। इट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स पाथ, यानी कि उसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो उसको नष्ट करती हुई जाती है। यानी कि जब मिट्टी खिसकती है, मिट्टी एकदम से गिरने लगती है, तो उसके रास्ते में चाहे कोई भी चीज़ आ रही हो, चाहे घर आ रहे हो, गांव आ रहा हो, या फिर कोई भी चीज़ आ रही हो, नदी नहर कुछ भी चीज़ आ रही हो, वो उसी को डैमेज करने लगती है, उसी को डिस्ट्रॉय कर देती है, उसी को नष्ट कर देती है। इट्स जनरली हैपन ड्यू रेनी सीजन और ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ये ज़्यादातर या तो बारिश के सीजन में होता है, जब बारिश होती है। मैंने अभी आपको बताया था बारिश के कारण जो मिट्टी होती है वो पकड़ नहीं बना पाती है और वो खिसकने लगती है, या फिर जब अर्थक्वेक आता है, जब भूकंप आता है तब मिट्टी खिसकने लगती है, क्योंकि जो अर्थक्वेक होता है वो बहुत तीव्रता से आता है और उसके कारण
पूरी पृथ्वी हिलने लगती है, और हिलने के कारण जब पृथ्वी की सतह हिलने लगती है तो ऊपर चाहे माउंटेन हो चाहे कुछ भी हो, उसकी मिट्टी अचानक से खिसकने लगती है। तो ये दो पैराग्राफ थे, या आई होप आप लोगों को समझ में आए हों।